गुड मॉर्निंग YouTube फैमिली, उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं ये प्यारी सी छोटी सी झील लेक, और ये टाउन के एक सिटी के अंदर बनी हुई है। यहाँ पे कुदरती माहौल जो है वो जगह जगह पे बनाया जाता है, मैन मेड है, खुद से बनाई गई है। बहुत खूबसूरत और बहुत ज़बरदस्त जगह 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 पे, जैसे मैं बता रहा था आपको, यहाँ पे कुदरती माहौल जो है वो बनाया गया है परिंदों के लिए भी, और डेफिनेटली ज़ाहरी सी बात है इंसानों के लिए भी ये बहुत मुफीद है। तो इसकी साइडों पे ये आप देख सकते हैं, ये बैठने की जगह भी है, पिकनिक स्पॉट्स भी हैं, और ये ट्रैक भी आप देख सकते हैं। ये बेसिकली वॉक या साइकिल ट्रैक आप कह सकते हैं इसको। तो अगर आप इसके आगे पीछे चक्कर लगाते हैं तो ये तकरीबन 1.3 किलोमीटर बनता है, माइल से थोड़ा कम बनता है। तो पूरा चक्कर जो है इसका, आप इस लेक के झील के आगे पीछे अगर आप चक्कर लगाते हैं तो इतना बनता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। मैं छोटे छोटे क्लिप्स इसके मुख्तलिफ पार्ट्स के ऐड करूँगा इसके आगे वीडियो में, तो आप देखिएगा और आप भी कुदरत को देखें और आप भी मज़ा करें। और मैं तो डेफिनेटली हूँ ही यहाँ पे, मैं तो यहाँ पे फिज़िकल हूँ, तो मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ इसको। हर सुबह या इवनिंग में, शाम में मेरी कोशिश होती है मैं आके यहाँ पे 2-3 चक्कर लगा के, तो आपको एक तो थोड़ी सी एक्सरसाइज हो जाती है और दूसरा जो है आपकी हेल्थ वाइज अगर देखें तो वो आपके लिए बहुत मुफीद है, बहुत फ़ायदा है आपके लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे तरह तरह के परिंदे हैं, बर्ड्स हैं, और इनको ये कुदरती माहौल बना के दिया गया है। ये यहाँ पे फेंसिंग भी लगी है, वहाँ पे इनके अंडे बच्चे जो भी है वो सेफ होते हैं, इंसान या हम ह्यूमंस उनको परेशानी नहीं दे सकते। तो दिल खुश हो जाता है ऐसी जगह पे आके। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी, मेरे साथ रहिएगा। जी दोस्तों, इस ट्रैक की मैं बात कर रहा था, ये आप इस पे वॉक करें, जगह जगह पे ये बेंचेस भी बने हुए हैं, आप वहाँ पे बैठें, आराम करें, जब आप थक जाएं यहाँ पे आप साइकिल करें या फिर आप वॉक करें। बहुत प्यारी और ख़ूबसूरत जगह। मेरी तरह आप लोगों को भी सुबह की सैर, परिंदों का चहचहाना बोलना अच्छा लगता होगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह आके आप इन ठंडी ठंडी हवा में आके, गर्मियों में भी आप आएँ प्रॉपर जून जुलाई में, तो यहाँ का मौसम बहुत अच्छा होता है, बहुत मुनासिब होता है, हवा चलती रहती है, और सुबह सुबह आपको ये परिंदों के सिंगिंग कह सकते हैं या गुनगुनाना कह सकते हैं या आवाज़ें जो भी आप मुनासिब समझें, तो ये आपको सुनने को मिलती हैं। तो ये एक दिन आपका अच्छा गुजरता है, आप फ्रेश हो जाते हैं। तो मेरे साथ रहिएगा, आगे भी दिखाता हूँ आपको। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अंदर करके, झील के अंदर करके ये एक आइलैंड सा बनाया गया है। ये एक्चुअली इसलिए बनाया गया है कि यहाँ पे अब परिंदे जो हैं वो बर्ड जाके अपनी नेस्टिंग करें, अपने घोंसले बनाएं, और उनको एक सेफ इन्वायरमेंट जो है वो दी गई है। वहाँ पे ज़ाहिर है इंसान भी नहीं जा सकता और दूसरे वाइल्ड एनिमल्स भी नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पे फॉक्स वगैरह, लोमड़ी वगैरह तो वो आम आपको घूमती फिरती नज़र आती हैं, तो उनसे थोड़ा सा होता है ख़तरा उनको। लेकिन ये आप देखें, यहाँ पे फेंसिंग लगी हुई है, जाली लगी हुई है, तो सेफ है। ये आपको जितने भी ये पौधे नज़र आ रहे हैं ये सारे ब्लैकबेरी के हैं, ये आपको नज़र आ रही है, ये ब्लैकबेरी यहाँ पे बेहिसाब लगा हुआ है। तो अभी ये कच्चा है, ये पकना शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे आपको बेहिसाब ब्लैकबेरी मिलता है। आप तोड़ें, खाना चाहें तो खाएं, वाइल्ड है लेकिन वो सेफ़ होता है खाने के लिए भी, अगर आप खाना चाहें तो। बहुत से लोग तोड़ रहे होते हैं यहाँ पे।
ये आप देख सकते हैं, ये स्वान है और उसके 3 बच्चे हैं। इसके पास नहीं जा सकते क्योंकि ये गुस्सा कर जाता है और काटने को आ जाता है, तो हम थोड़ा दूर से ही देखते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे वो कौवा उसके पास जा रहा है, वो उसको भी मारने की कोशिश कर रहा है। तो लास्ट वीक में गया था उसके पास, लेकिन वो ऐसे ही ना मारने की कोशिश कर रहा था, तो मुनासिब यही है थोड़ा सा फासला रखा जाए। वो अपने बच्चों को सेफ नहीं फील करते, महसूस करते, तो इसलिए वो फिर अटैक करते हैं। और आपको ये भी बताता चलूँ कि यहाँ पे मछलियाँ भी बहुत होती हैं, आप फिशिंग कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन आप उसको अपने साथ नहीं लेके जा सकते शौक के तौर पे। मतलब कि आप मछली पकड़ें, उसका वेट करें और उसको वापस पानी में छोड़ दें, आप उसको खा नहीं सकते, साथ नहीं लेके जा सकते। बहुत अच्छा ट्रैक है वॉक के लिए, साइकिल के लिए। ये आपको नज़र आ रहा है, ये यहाँ पे मछलियाँ पकड़ रहा है बंदा। ये एक और अंकल जी बैठे हुए, ये भी मछलियाँ पकड़ रहे हैं। ये सारे जो हैं कि रिटायर्ड अपनी ज़िंदगी में कर चुके हैं बहुत कुछ, और रिटायर्ड लाइफ बस ऐसे ही फिर चिल करते हैं। तो दोस्तों, लेक की उस तरफ में प्ले एरिया है बच्चों के लिए, साइकिलिंग ट्रैक है प्रॉपर, और वहाँ पे एक्सरसाइज का, ये जो सामने नज़र आ रहा है आपको, ये बच्चों का प्ले एरिया, झूले वगैरह हैं। साथ में उसके आगे वहाँ पे एक्सरसाइज के लिए साइकिल और इस तरह से 8-10 इक्विपमेंट हैं, मशीनें हैं, तो आप वहाँ पे जाके वॉक भी, सॉरी एक्सरसाइज भी कर सकते हैं सुबह सुबह। और उधर पीछे कार पार्क है, वहाँ पे रेस्टोरेंट है, और इधर वहाँ पे पीछे हॉकी के खेल, फुटबॉल, क्रिकेट और इस तरह से काफ़ी ग्राउंड है जिसपे आप खेल सकते हैं। अच्छी जगह है, सुबह सुबह आपको बहुत से लोग डॉग वॉकर भी नज़र आते हैं जो कुत्तों को लेके आए होते हैं, और बाकी हर हर किस्म का बंदा आपको नज़र आता है वॉक करता हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको नेचर बहुत पसंद है, अगर आपको भी नेचर पसंद है तो आपको डेफिनेटली वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको नहीं पसंद है तो मैं माजरा चाहता हूँ उसके लिए। तो अपना ख्याल रखिएगा, तो हमारे साथ रहिएगा और अपनी सपोर्ट जारी रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।